हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बिना यीस्ट और बिना अंडे की डोनट्स की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलो वीडियो शुरू करें। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है, यहाँ पे शुगर, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, सॉल्ट और ये मिल्क लिया है। और ये मैंने इसको कट करने के लिए, लाइक शेप देने के लिए, ऐसे शेपर्स लिए हैं और वेनिला एसेंस। पहले हम बोल में मैदा ऐड करेंगे, फिर इसके बाद हम पाउडर शुगर ऐड करेंगे इसमें। अब इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और सॉल्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेंगे चम्मच की मदद से। अब इसमें हम वनीला एसेंस ऐड कर देंगे और मिल्क ऐड करेंगे। तो मिल्क हमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एक साथ सब मिल्क ऐड नहीं करना है, अदरवाइज जो बैटर है वो पतला हो जाएगा। देखिए हमें सेम इसी तरह अच्छे से हाथ से इसको मिक्स करना है, और एक जैसे हम रोटी का, लाइक चपाती का जो डो रेडी करते हैं वैसे एक डो रेडी करना है। देखिए हमारा डो जो है रेडी हो चुका है। अब इसको 10 मिनट के लिए कॉटन के कपड़े की मदद से रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 10 मिनट के बाद देखिए हमारा जो डो है वो चेक करते हैं हम। अब इसको थोड़ा सा हम ऊपर से बटर या घी लगा सकते हैं। थोड़ा सा ही घी अप्लाई करना है ऊपर ऊपर से। अब इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अभी जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे ही इसका एक थिक रोटी हमें बनाना है। देखिए थोड़ा सा मैंने पहले मैदा डस्ट किया है और फिर थोड़ा सा ऊपर से भी हम थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे रिटर्न। और जैसे हम रोटी बेलते हैं वैसे ही सेम इसको हमें बेलना है। ये जो डो है वो मैदे का है तो वो जल्दी फैलता नहीं है, मतलब कैसे मैदा लगाना पड़ता है उसको थोड़ा स्प्रेड करने के लिए, तो इसलिए हमने मैदा लगाया है। देखिए इसका, देखिए थिकनेस, देखिए ऐसे थिक, हमें पूरी तरह से इसे थिक करना है साइड से भी। अब इसको हम शेप दे देते हैं, शेप जो है दे दिया। अभी इसको बीच में से हम थोड़ा सा छोटा शेप देंगे इसको। सारे ऐसे ही हमें रेडी करने हैं। देखिए हमारे जो डोनट्स है वो रेडी हो चुके हैं। इसी तरह से मैंने सारे सब डोनट्स जो है रेडी कर दिए हैं। अब इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। तो मैंने ऑयल पहले ही हीट करने के लिए रख दिया था, गरम करने के लिए रख दिया था पैन में, तो हम इसको मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। और मीडियम फ्लेम पे ही हमें इसको फ्राई करना है दोनों तरफ से। देखिए अभी हो चुके हैं, एक साइड से हम इसको अभी पलट देंगे, हम दूसरी साइड से भी इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अभी देखिए हो चुके हैं, तो मैं इसको निकाल देती हूँ एक टिश्यू पेपर पे, मतलब जो थोड़ा सा ऑयल जो है वो भी सोक कर लेगा टिश्यू पेपर। तो ऐसे ही इसी तरह से मैंने सारे डोनट्स मैं रेडी कर रही हूँ। अब मैंने इसके लिए मिल्क चॉकलेट, डार्क चॉकलेट और वाइट चॉकलेट लिया है। तो
फर्स्ट हम मिल्क चॉकलेट में डिप करेंगे जो हमारा डोनट है वो। एक देखिए मिल्क चॉकलेट में मैंने डिप कर दिया है, अभी डार्क चॉकलेट में हम डिप करेंगे। सेम इसी तरह से हम सारे डोनट चाहिए ऐसे ही डिप करके रख देंगे। ये देखिए सारे डोनट्स मैंने ऐसे चॉकलेट्स में डिप करके रख दिए हैं। आपको इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए जो मतलब डालना है वो डाल सकते हो। मैं यहाँ पे सिल्वर बॉल्स यूज़ कर रही हूँ, वाइट चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास क्रिस्पी कलर बॉल्स है या फिर और भी कुछ ऐसे गार्निशिंग के लिए है तो वो आप ऐड कर सकते हो, उससे आप गार्निश कर सकते हो आपके डोनट्स। अदरवाइज आप शुगर सिरप में डिप करके भी आप खा सकते हो इसको, अदरवाइज मेपल सिरप ऐड करके खा सकते हो। देखिए अब इसी तरह से मैंने सारे डोनट जो है वो रेडी कर लिए हैं। एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ सारे डोनट्स। जो हमारे डोनट्स है बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं, अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं अंदर से। ये जो डोनट्स है वो सारे रेडी हो चुके हैं। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।